तो आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा नानपरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, बहराइच और धौरहरा में भी आज रोड शो करेंगे प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज दोपहर 1 बजे बहराइच के नानपारा में एक रोड शो करेंगी, कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री बाई फूले के लिए वोट मांगेगी। सावित्री बाई फूले की अगर बात करें तो बड़ा दिलचस्प इस बार सावित्री बाई फूले का जो है वो कैरेक्टर रहा है, क्योंकि बीजेपी में रही है, बीजेपी से सांसद भी रह चुकी है बहराइच से, और साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से स्थितियां बनी थी, क्योंकि जिस तरह से भारत बंद की स्थितियां बनी थी, SC ST एक्ट की बात सामने आई थी और नाराजगी इन्होंने जाहिर की थी, कई बार पार्टी के खिलाफ बोलती रही थी, इसके बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का दामन थामा था सावित्री बाई फूले ने, और अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार बहराइच से बनी है और आज उनके समर्थन में वोट मांगने जाएंगी प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी उनके समर्थन में आज रैली भी एक करेंगी। बड़ी खबर आपको साफ तौर बता रहे हैं, चुनाव है और चुनाव में ऐसी बातें, और साफ तौर पर प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारी दी गई है पूरे उत्तर प्रदेश की, उस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वाहन करने के लिए लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, और क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, इससे पहले वो जब सक्रिय राजनीति में नहीं थी तो इसके पहले सिर्फ रायबरेली और अमेठी में प्रचार करती हुई देखी जाती थी, लेकिन जब से वो सक्रिय राजनीति में आई है उन्हें उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपा गया। तो उसके बाद से लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार कर रही हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री बाई फूले, जो कि बीजेपी से आई हुई हैं, बीजेपी में पहले सांसद रह चुकी हैं और अब कांग्रेस की सीटें चुनाव लड़ रही हैं, उनके समर्थन में आज एक रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी।